प्रसन्न सिंह। तो दोस्तों आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ उदयनाथ जी का मंदिर, जो थानागाजी तहसील में और जिला अलवर में राजस्थान में है। तो दोस्तों चलते हैं अपन उदयनाथ जी के मंदिर में और दिखाते हैं कितना शानदार नज़ारा है वहाँ का देखने के लायक। तो दोस्तों अपन थानागाजी से होते हुए जोधावास रोड से होते हुए और अपन मंदिर की तरफ चल रहे हैं। तो दोस्तों आगे जाकर आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया सीन देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों आपके मन को भा जाएगा और आपको वहां जाने का आपका मन भी करेगा। तो दोस्तों अपन इस रास्ते से होते हुए उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर बाबा उदयनाथ जी महाराज ने वहां पर समाधि ली थी, और वो ऐसी जगह है जहां पर पहली ऐसी जगह है जहां पर किसी कछुए की समाधि ली गई थी। तो दोस्तों वहां पे जो उदयनाथ जी महाराज का एक पाला हुआ कछुआ था, जो कि उदयनाथ जी महाराज उसको जो भी बोलते थे वो वही करता था और वो उनके ही शरण में रहा करता था। तो जब बाबा उदयनाथ जी की मृत्यु हुई उसके बाद में कुछ ही दिनों के बाद में उस कछुए की भी मृत्यु हो गई, जिससे कि उस कछुए की समाधि वहीं बनाई गई है दोस्तों। और बाबा उदयनाथ जी महाराज के विचित्र प्रकार का कुंड भी है, जो कि अभी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं, देखते जाइए वीडियो। उदयनाथ जी महाराज के बगीचे के पास से गुजरते हुए उनके मंदिर पे फाइनली पहुंचने वाले हैं कुछ ही पल में। तो दोस्तों आप देखते रहिए, बहुत ही बढ़िया नज़ारा होता हुआ नज़र आएगा आपको। और तो दोस्तों ये देखिए बाबा उदयनाथ जी महाराज की कुई है, जो कि बहुत ही ऊपर पानी है इसके अंदर। और ये देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो अपन यहाँ पे बहुत कुछ देखने वाले हैं दोस्तों आज, जो कि बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला आज, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं भी दोस्तों पहले बार आया हूँ, जो कि मुझे भी उत्साह हो रहा था आज बाबा उदयनाथ जी महाराज के मंदिर का दर्शन करने का। दोस्तों तो ये बाबा उदयनाथ जी महाराज के मंदिर का समाधि का जो कि गेट है, और दोस्तों यहाँ पे वाटर कूलर की सुविधा भी की है और पानी वगैरह की सभी सुविधाएं हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया स्थान है, यहाँ पर शांत माहौल रहता है हमेशा। तो दोस्तों ये है वो समाधि जो कछुए की है, और बाबा उदयनाथ जी महाराज के कछुए की समाधि यहाँ पे दी गई है, जो कि यह कछुआ बाबा उदयनाथ जी महाराज का बहुत ही सच्चा और अच्छा भक्त हुआ करता था उस टाइम में दोस्तों। तो ये यहाँ पर अपन बाबा उदयनाथ जी के प्रांगण में पहुँच चुके हैं, जो कि अंदर का सीन है गेट के अंदर से। और ये है वो विचित्र कुंड है, जो कि इस कुंड के अंदर ऊपर मछलियां भी रहती हैं, और ये अपने आप भरता है और अपने आप खाली हो जाता है दोस्तों। और ये बाबा उदयनाथ जी की ही माया है, जो कि इस कुंड को इतना विचित्र बनाती है। और ये हैं उनके जो धर्मशाला बनी हुई हैं, ये हैं उनकी धर्मशाला हैं। और बाबा उदयनाथ जी महाराज का बहुत ही अच्छा और मन को भाने वाला स्थान है। आप
भी भाई कभी भी जाना और वहाँ पे देखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। यह है महाराज का अखंड ज्योत है बाबा उदयनाथ जी महाराज की। और दोस्तों यह रसोई घर है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है दोस्तों देखने के लिए। कभी देखने का मौका मिले तो यहाँ पर जाना और देखना। और दोस्तों मैं तो इतना ही कहूँगा कि यहाँ पे इतना शांत माहौल है दोस्तों, कभी आप जाओगे तो आपका घर आने का ही मन नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि इतना शांत माहौल है यहाँ पर जो कि आपने पहले और कहीं नहीं देखा होगा। और इतने जंगल के बीच में और सरिस्का जंगल के बीच में है ये, पहाड़ों से घिरा हुआ चारों तरफ। और दोस्तों यह भी महाराज की समाधि है जो कि बहुत अच्छी तरह से है। और दोस्तों देखते रहिए, बहुत ही रोचक है। और यह है जो आप सामने देख रहे हैं, यह जाल है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से है। दोस्तों यह प्रकृति की शरण में है जो कि दोस्तों बहुत ही मनमोहक है। दोस्तों यह कुआं है जिसके अंदर बहुत ही ऊपर पानी है जो कि। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को भी दबा देना जो कि आगे आने वाले वीडियो को आप देख सको और बहुत ही अच्छे वीडियो आगे आपको देखने के मिलेंगे इस चैनल पर। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है